अस्सलामुअलैकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी नेक्स्ट डे है, शाम का टाइम हो गया है। आज मैं आलू के कबाब बना रही हूँ। शायद अम्मी को भी वापस घर चली जाए, शायद, पता नहीं है, कन्फर्म बना, लेकिन ये है कि देखते हैं। बाकी अभी चाय बनाते हैं और इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये जो कप प्यालियाँ हैं ना, इस वजह से इस तरफ की हैं, मेरी प्यालियाँ इस तरफ की हैं। तोड़ो। कचौरियाँ जी डब्बा लिया कल के अचार। खाइए खाइए, टूट टूट पड़ी है। कौन से इलाके में मिल रही? कौन से इलाके? क्या किलो? 350 रुपए किलो खाए और खरीद लिया। बता देना, अच्छा सस्ती कहीं मिल रही है तो लोग ले लेंगे। अच्छा सुने, कित क्या किलो चिकन बता रहे थे? 7,000 रुपये। 350 और कहाँ मिल रही? सफूरा मद्रास। अच्छा है, 350 रुपये। अरे मैंने भी उस चीज़ सवाल मरी मुझे दिन मिला जिंदा जी वहाँ से भी ले रहा था तो मैंने उससे मुर्गी वाले से पूछा, मैंने कहा क्या हिसाब लगा, 430 रुपये। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बहुत बहुत सर्दी हो रही है और बिजली चमक रही है, क्योंकि कहीं बारिश हो रही होगी तो मिल गई होगी। पीछे देखिए, ये देखो, ये देखो, बिजली अभी चमक तो नहीं रही, पर बिजली होगी। और आज की ताज़ा ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ के क्या आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिजली चमक रही है और शायद बच्चों की छुट्टी हो जाए। सो गाइस, आप भी चाहते हैं, जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए स्कूल की और बड़ा मज़ा है। काश ऐसा हो सकता है, अल्लाह करे आ जाए। कल ये नहीं ला, ये लाता ही नहीं, इसे कभी खाते ही नहीं। टाइम लगेगा उनको आने में, वेट करना पड़ेगा, लग रही है भूख।
क्या मंगाया? इतने दिन से बुक्स लेके नहीं जा रही, आपको क्या चाहिए नौकरी? बेटा बड़े बड़े हैं तो क्या हो गया? याद तो करना, जल्दी से करो, ला मुझे बताओ करो। बस अभी जो है हम लोग सहमा तक आए थे। मेरी छोटी सिस्टर ने जो है सहमा से एक आउटलेट से जो एक सूट लिया था और उसको एक्सचेंज करवाना था, और साथ में जो है ना इसने एक हैंडबैग भी लेना है इनको कॉलेज के लिए, जो है ना इनको एक बैग की जो है ना बैग लेना था। तो बस वहाँ से फारिग होने के बाद हम लोग ये बैग की शॉप पर आ गए। यहाँ का विज़िट मैं पहले भी आपके साथ दो तीन दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी, न्यू वैरायटी आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। और बहुत अच्छी वैरायटी जो है ना इनके पास जो है मुझे भी नज़र आई, और ये देखें ब्लैक और वाइट कलर के बैग्स जो है ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो सिस्टर को चाहिए था वो उसने उसको पैराशूट में जो है ना उसको एक अच्छा सा बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग मिला, और उसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है और जो है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है ये बैग। कैजुअल यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा जो मुझे लगा बैग, स्पेस बहुत अच्छा था इसमें और पॉकेट्स भी बहुत अच्छी हैं, कॉलेज के लिए भी अच्छा है, वैसे भी जो है ना यूजली भी यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ में उन्होंने हमें ये न्यू एक और जो है ना वैरायटी दिखाई, 3 पीस जो है ना ये बैग था, और सिस्टर ने ये वाला ब्लैक वाला बैग जो है ना वो बाय किया, और इसके साथ उन्होंने एक और ब्राउन कलर में मुझे बैग दिखाया, ये बैग भी मुझे अच्छा लगा। तो इनके पास हर तरह की वैरायटी होती है, ब्रांडेड भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, और ये देखें ये भी 2 पीस था और ये भी मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से इन्होंने और भी बैग्स दिखाए। अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर भी मैंने जो है ना व्हाट्सअप जो है ना वो पिन कर दिया है, आप डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वाटर पम्प इनकी शॉप है, आप आएँ आके विज़िट कर सकती हैं, और बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आप लोग को यहाँ की ये बैग्स की वैरायटी किस तरह की लगी। और बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, थोड़ी यहाँ की बैग्स की जो भी वैरायटी थी न्यू वैरायटी वो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ग्रीन कलर का बैग कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इन्होंने मुझे लास्ट में दिखाया था, ये भी बहुत आउट क्लास बैग था, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा, लेकिन मुझे अभी लेना नहीं था, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बैग था। और बस ये बस मेरा छोटा सा व्लॉग रहा और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फैमिली से मिल के, मुझसे मिल के बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे व्लॉग्स पसंद करें। आप लोग का बहुत शुक्रिया, इसी तरह अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।